उसके बारे में? ब्लैंक बेसिकली, ब्लैंक के बहुत सारे एक तो मीनिंग होते हैं, जैसे कि इंग्लिश वर्ड अगर हम ब्लैंक बोले तो एक कहते ना यार, यू नो मैं एग्ज़ाम की इतनी तैयारी करके गया था लेकिन पेपर जब मेरे सामने आया तो मैं ब्लैंक हो गया, एक तो वो होता है। और दूसरा होता है कि जैसे यू नो जो फेक बुलेट्स होती है ना उसको भी ब्लैंक बोला जाता है। तो इस पिक्चर में कौन सा ब्लैंक है वो आपको पिक्चर देख के ही पता चलेगा, तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि पिक्चर की कहानी 24 घंटे की कहानी है। एक हम लोग, मैं और सनी सर, सनी देओल साहब मिशन पे होते हैं एंड बीच में एक लड़का मिल जाता है हमें जो करण कपाड़िया प्ले कर रहा है, जो जिसके सीने पे एक लाइफ टिकिंग बॉम्ब है और उसको आप बंद नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो 24 घंटे में हमें कंट्रोल करना है सिचुएशन को, कैसे करते हैं, होता है नहीं हो पाता है, वो पूरा ट्विस्ट है फिल्म में। ओके, ये तो हुई फिल्म की बात। अपने किरदार के बारे में बताइए थोड़ा कि किस तरीके का किरदार आपका होने वाला है। आपने सिम्बा देखी है? वैसा नहीं होने वाला बेसिकली। एक बहुत ही टफ रियल जो हमारे जो ATS ऑफिसर्स होते हैं वो प्ले करने की मैंने कोशिश की है। रणवीर डिड अ फैब जॉब, रणवीर ब्रो आई लव यू, बट क्या है कि इस फिल्म में बहुत अग्रेशन लेके आना था मुझे, बिकॉज दे वांटेड बॉडीली थोड़ा अग्रेसिव हो, तो क्योंकि बहुत इंटरोगेशन सीन्स हैं, यू नो भाग दौड़ बहुत है, फुल मतलब हम लोग ना धारावी और बोली विलेज जो मुंबई में है उसमें फुल चेस सीक्वेंस है, तो बहुत अच्छा लगा। यू नो जब आप एक वर्दी पहनते हैं ना तो एक पुलिस ऑफिसर का जो रोल, इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स आफ्टर 24 आई एम डूइंग दिस, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि मुझे लगता है अगर मैं अपनी यू नो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ जाती है एज ए सिटीजन भी, एज एन एक्टर भी, जब आप वो वर्दी पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ATS चीफ का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। Is it a crime thriller? Yeah, it is a crime thriller. Okay, so इससे पहले भी आपने जिद की थी, वो भी crime thriller थी। तो कितना अलग होने वाला है आपका किरदार अगर बात करें तो उन किरदारों के मुकाबले? जिद में ऐसा था कि जिद was a, I was playing a journalist, you know, तो एक journalist के तौर पे करना किया जाता है काम और सोचा जाता है। I was also playing a very complex character जो थोड़ा सा you know बहुत complex था उसमें, और उसमें इंटरनलाइज बहुत करना पड़ता था क्योंकि यू नो वहाँ पे रोमांस है, एक सिचुएशन है, एक क्राइम जो मैंने कमिट किया होता है। इसमें मैंने क्राइम नहीं कमिट किया, जो जिसने क्राइम कमिट किया है उसको उसका अंजाम कैसे होगा, पुलिस ऑफिसर एक जो सच के रास्ते पे चलते हैं ना वैसा रोल है। और इसमें इंटरनलाइज नहीं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा एक्शन है तो बहुत एक्सटर्नल एक्टिंग भी करनी पड़ती है इसमें, तो वो डिफरेंस है। ओके, जैसे कि आपने कहा एक्शन के बारे में बात की है, तो हमने सुना है कि एक्शंस आपने खुद अपने से किए हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए और इसके पीछे की प्रिपरेशंस कितने समय पहले से स्टार्ट की? अनफॉर्चुनेटली जब मैं फिल्म पे ऑन बोर्ड आया था तो मुझे मेरे पास गिन चुन के कुछ 3 हफ्ते से 1 महीना था, लेकिन क्या था कि मैंने एक्शन क्योंकि पहले किया हुआ है तो एक आइडिया बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आपके, जैसे हम हमारे एक्शन डायरेक्टर्स जब भी हमें कहते हैं, जब पहली बार मैंने ज़िंदगी में एक्शन किया था तो कहते हैं कि कभी भी आई कॉन्टैक्ट नहीं लूज़ करना चाहिए एक्शन के दौरान, बिकॉज अगर आप इधर देख रहे हैं और किसी का पंच आ गया यू वोंट बी एबल टू रिएक्ट टू इट, तो आई कॉन्टैक्ट कभी नहीं लूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक डांसिंग ऑल्सो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर यू बेटर, बट हाँ एक प्रॉपर टेक्निकल रिहर्सल होती है यू नो अच्छे इंडस्ट्री के जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट किया था, तो यू नो इट वाज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, तो इट वाज फन बट इट इज टफ एक्शन करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पिक्चर में जितने भी आपको चोटें दिख रही हैं ना, जैसे मेरे हाथ पे मुझे याद है मैं कल ही फोटोग्राफ देख रहा था तो यहाँ पे पूरा एकदम स्क्रेप हो गया था क्योंकि हम लोग गिर गए थे एक्शन करते, मैं और करण एक दूसरे को मार रहे होते हैं, करण कपाड़िया जो हमारी फिल्म है, तो वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, मगर उसका एक अलग फन है, इट्स कॉल्ड बैटल स्कार्स जो कहते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट यू नो योर को-स्टार्स, अगर बात करें तो उनके साथ में कैसा बॉन्ड रहा, उनके साथ में कितना एंजॉय किया आपने का? यू नो ये वन ऑफ दोज फिल्म्स है जहाँ पे अगर आपका टीम एफर्ट नहीं होगा ना तो ये फिल्म कभी चलेगी नहीं, यू नो बिकॉज इसमें ना हम सब लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, ब्लड स्वेट नींद अपनी सेक्रीफाइस की है। मैं उस टाइम पे मेरा कमिटमेंट एक ऐसा हो गया था कि मैं कहीं और शूट कर रहा था तो मुझे रात को आके इनका कंप्लीट करना होता, कभी दिन में कहीं और शूट अगर नहीं होती रात को इन
शूट होती तो फिर दिन में इनके पास आ जाता, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। और अगर कोई इतना प्यार और सपोर्ट के साथ काम करता है तो आपका भी मन करता है कि आप और एक नेक्स्ट लेवल का एक परफॉर्मेंस दें या उनको और सपोर्ट करें इन वट एवर वे पॉसिबल। तो इवन को एक्टर्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं होती, सनी सर की नहीं होती, तो यू नो ही कैन जस्ट गो एंड से कि यार मेरे को चेंज कर दो यार, या यू नो समझ नहीं आ रहा या कुछ नहीं है, बट ही नेवर क्वेश्चन्ड। इतना उनको कॉन्फिडेंस था स्क्रिप्ट पे कि वो है ना छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना डिबेट चलती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार मुझे ये बदलना है या वो बदलना है, ना मैंने कभी ऐसा कुछ बोला ना किसी और ने बोला। तो एवरीबडी वॉज वेरी क्लियर कि एक मिशन है उसको कम्प्लीट करना है। तो जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, तो जैसे आप वैसा रोल करेंगे, तो अगर आप वैसा बिहेव नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, इट विल शो। ओके, सनी सर की बात की है आपने, तो सनी सर तो एक्शंस में उनका तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, तो उनकी तरफ से कोई एडवाइस वगैरह कभी आया? कैसे पकड़ेंगे, यू नो हम लोगों ने तो गाने में भी डाल दिया कि 2.5 किलो हाथ उनका, यू नो तो जरूरत भी नहीं है पकड़ने की, क्योंकि ही इज सो, वो इतने, अगर आप उनके साथ हैंडशेक करेंगे ना, आपको लगेगा वाओ ही इज सो जेंटल एंड ऑल दैट, बट नेक्स्ट सीन आप देखेंगे कि ही इज पंचिंग एंड डूइंग पुल ऑन एक्शन एंड गेटिंग दैट दोस रेड आईज एंड चिल्ला रहे हैं एंड ऑल दैट, इट्स लाइक वाओ यार, इट्स लाइक सो सो नाइस टू सी हिम लाइक दैट। वो एक इमेज है उनकी, बट रियल लाइफ में ही सो जेंटल है, ही इज सो जेंटल, आई कैन इवन टेल यू। ओके, फिल्म का एक गाना है अक्षय कुमार सर के साइड से, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अली अली एक गाना है, प्रमोशन गाना है, तो बिकॉज करण कपाड़िया का लॉन्च भी है इसमें, तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करने के लिए, हमारी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए है। इनफैक्ट यू नो इमरान भाई, अपना इमरान हाशमी ने भी मैसेजेस भेजे हैं, ट्विंकल मैम ने भेजे हैं, अर्जुन कपूर ने भेजे हैं, सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर फिल्म। एंड 3rd मे को रिलीज हो रही है, 3rd मे, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ओके, करण आपसे अगर बात की जाए तो यू नो आपने वेब सीरीज कर ली है, बॉलीवुड भी किया है, और साथ ही में टेलीविजन भी, मंगलम दंगलम भी किया है टेलीविजन की भी बात करें, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डिफिकल्ट, कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो डिफिकल्ट है, या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए कंफर्टेबल रहा? आई थिंक कभी मैं एक्चुअली इसका सही जवाब क्या दूँ, मैं खुद सोचता हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर हमें वही करना पड़ता है, वही मेकअप लगाना पड़ता है, वही एक्शन के बाद एक एनर्जी आपको डालनी पड़ती है, जान डालनी पड़ती है सीन में। तो मुझे नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जब भी मैंने काम किया है और जितने भी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एडवर्टाइजमेंट में ये ईजी है, मैं ये करूँगा, या टेलीविजन में बहुत काम होता है यार। सो काम काम है, यू नो ज़्यादा है कम है, कितनी मेहनत है वो डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पे। जैसे अगर मैंने गर्ल इन द सिटी किया था, जैसे उसमें बहुत इंटरनल एक्टिंग की ज़रूरत थी, इन द सेंस एक इंटरनल इमोशन था, बिकॉज वो बहुत, वो जो कैरेक्टर था मेरा वो बहुत इंटरनलाइज करता था चीज़ें, यू नो तो वो बहुत कम शब्दों में बात करता था, तो आपको वैसा बनना पड़ता है। सूट्स में था, एसी कैबिन में था, सारे सीन्स एकदम कंफर्टेबली हो रहे थे, मगर हम लोग 16 घंटे के लिए 16-16 घंटे शूट करते थे। अब ब्लैंक की बात कर लें, तो ब्लैंक में हमारे अगर दिन का सीक्वेंस होता तो 6-8 घंटे शूट करते थे हम, मगर वो 6-8 घंटे ऐसे 6-8 घंटे होते थे कि आपको लगता था कि 4 घंटे के बाद भैया ये मतलब 20 दिन बाद बुलाना, ऐसा लगता था, यू नो। सो ओके, करण आपसे ऑल्सो जानना चाहेंगे कि यू नो आपने फिल्में की हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मुझे I would like to do a double role, you know, honestly. I think that'll be very interesting to see. Okay. Double role हो गया, फिर जैसे you know इतने हमारे जैसे भगत सिंह हो गए, भगत सिंह इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड उनके बारे में पढ़ के, और जैसे केसरी आई है, यू नो सिख कम्युनिटी के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए अगर मैं कुछ भी ना डिवोट कर सकता हूँ, वुड रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, सो लास्टली करण चाहते चाहते हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहिए, क्यों देखनी चाहिए उन्हें ब्लैंक? प्लीज़ आप देखिए, 3rd मे को रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म, लग रही है, और आपको इसलिए देखनी चाहिए बिकॉज उसमें लॉट ऑफ एक्शन तो है ही, लेकिन एक अच्छी प्यारी सी स्क्रिप्ट है, जो हम लोगों ने कभी उसको टैम्पर करने की कोशिश नहीं की है। इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर जहाँ पे आप है ना डेफिनेटली कुछ लेके जाएंगे, कि इंडस्ट्री में कुछ नया आया है। ओके,
So definitely that's a big thumbs up from my side. Thank you so much, Karan, हमसे बात करने के लिए.